दोस्तों यार आज की इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ देव भाई का दूसरा पेट्रोल पंप जो कि अभी निर्माण हुआ उसका वो इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। दोस्तों यार ये है बोरावास में। दोस्तों यार बोरावास में मैंने सोचा कि दोस्तों को भी दिखाई जाए देव भाई का दूसरा पेट्रोल पंप। ये देव भाई का आदमी है जो कि देव भाई का पेट्रोल पंप संभालता है और मुनीम अलग है जो कि मैं अगली वीडियो में मुनीम दिखाने वाला हूँ। ये देख सकते हो ये देव भाई का ऑफिस है लेकिन अब देव भाई जाने के बाद में देव भाई का मुनीम बैठता है और सारे पैसे देव भाई के घर वालों को देता है और काफ़ी बड़ा पेट्रोल पंप है, इसमें करोड़ों का खर्चा आया होगा लगभग। दोस्तों यार देख सकते हो कितनी ऊंची ये बना रखी है और ये देव भाई का ये आदमी है और काफ़ी सारे लोग काम करते हैं देव भाई के और देव भाई लगभग हर आदमी को 20 से 30 हज़ार रुपये देता है महीने के और इसमें लगभग 5 आदमी काम करते हैं लेकिन देव भाई कितने अच्छे आदमी हैं कि 20-30 हज़ार देते हैं। वो 20-30 हज़ार कोई छोटी मोटी बात नहीं है लेकिन देव भाई अच्छा आदमी थे इसलिए इतने पैसे देते थे। दोस्तों यार इसका भी कहना है कि अच्छे